Good afternoon, students. How are you all? Hope you all are fine. So today I am going to teach you what comes after. आज हम क्या पढ़ेंगे? What comes after? मतलब कि बाद में कौन सा नंबर आता है? तो यहाँ पर एक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. तो उसमें क्या लिखा है? नंबर लिखे हैं 0 to 10 नंबर लिखे हैं. सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये यहाँ पर मैंने काउंटिंग लिखी है. और उसके बाद ये जो यहाँ पर लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है? 4. ओके, अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर 4 नंबर कहाँ पर है. ओके, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4. 4 नंबर कहाँ पर है? ये 4 नंबर है. तो इसके बाद आपको देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है. कौन सा नंबर है 4 के बाद? विच नंबर इज दिस? 5. कौन सा है? 5. तो यहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे हम? 5. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 2. कौन सा नंबर है? 2. तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे विच 2 नंबर. यहाँ पर 2 नंबर कहाँ है? ये कौन सा नंबर है? 2. आफ्टर 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3. 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3. तो यहाँ पर हम क्या राइट डाउन करेंगे? 3. नेक्स्ट विच नंबर इज दिस? 5. ये कौन सा नंबर है? 5. अब बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 नंबर कहाँ है. कौन सा है 5 नंबर? ये 5 नंबर है. ओके, 5 नंबर के बाद कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है ये 5 के बाद? 6. तो यहाँ पर क्या राइट डाउन करूंगी मैं? 6. नेक्स्ट इज विच नंबर इज दिस? 8. ओके, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे वेयर इज 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हियर इज 8. 8 के बाद कौन सा नंबर है? 9. ये कौन सा नंबर है? 9. तो यहाँ पर क्या राइट डाउन करूंगी मैं? 9. उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या राइट डाउन किया है? 3 to 32. कौन सा नंबर है? 32. इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें क्या करेंगे हम? 3 का सिर्फ हम 3 ही राइट डाउन करेंगे. और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3. तो क्या लिखेंगे? ये क्या बन गया हमारा? 32 आफ्टर 33. 32 के बाद कौन सा डिजिट आता है? कौन सा नंबर आता है आपका? 33. हियर यहाँ पर मैंने क्या राइट डाउन किया है? 46. कौन सा नंबर है? 46. अब 4 का क्या करेंगे हम? 4 ही डिजिट रखेंगे. 4 का 4 ही नंबर लिखेंगे यहाँ पर. और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 के बाद कौन सा आता है? यहाँ पर आइडेंटिफाई, यहाँ पर 6 कौन सा नंबर है? यहाँ पर है 6. 6 के बाद कौन सा नंबर है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 7. कौन सा नंबर है? 7. तो ये क्या बन गया हमारा? 47. 46 के बाद कौन सा नंबर आता है? 47. कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं बेटा, जैसे कि 29. ठीक है, इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाता है. यहाँ तो इजी था, हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सा नंबर आएगा आगे. ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि क्या होगा. ठीक है, इसमें क्या होगा? 29 के बाद 2 का क्या बन जाएगा? 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद कौन सा नंबर आता है आपका? 3. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3. और 9 का जो बन जाएगा वो 0. मतलब आपने अज्यूम कर लेना है कि हाँ 9 का 0. और यहाँ पर आपने 39, यहाँ क्या मैंने राइट डाउन किया? 39. 3 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है? 3 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है? 3 के बाद कौन सी काउंटिंग राइट डाउन किया मैंने यहाँ पर? 4. तो आपने क्या लिखना है? 4. और 9 का क्या हो जाएगा? 0. नेक्स्ट इज 59. तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 के बाद, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6. कौन सा नंबर आता है? 6. ये आ जाएंगे 6. और 9 का क्या? 0. ओके, यू अंडरस्टैंड बेटा? नाउ एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ ये चीज. पहले क्या है, आफ्टर के क्या मतलब होता है कि बाद में कौन सा नंबर आता है आपका. ओके, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर दी है लाइन,
और उसमें क्या मैंने नंबर्स लिख ली है, कौन से नंबर लिख लिए, 0 to 10 नंबर लिख लिए। और 0 to 10 नंबर में आपने इसमें ही आइडेंटिफाई करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पर पहले कौन सा नंबर लिखा था, 4। ओके, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, आपने यहाँ आइडेंटिफाई करना 4 के बाद कौन सा नंबर लिखा है यहाँ, 5। तो आपने लिख लेना 5। ओके, नेक्स्ट है 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6। यहाँ मैंने राइट डाउन किया है 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9। उसके बाद मैंने राइट डाउन किया है 32 के बाद कौन सा नंबर आता है, 33। नेक्स्ट है 46 के बाद कौन सा नंबर आता है, 47। ये सिर्फ बेटा इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3 का हम 3 लिखेंगे, 2 के बाद जो आफ्टर आता है 2 के बाद कौन सा काउंटिंग आती है, 3। तो हमने यहाँ 3 लिख लिया है, और 6 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 7, वो यहाँ लिख लिया है। और ये जो कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केसेस है हमारे इसमें, जैसे 29, 39, 49, 59, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, 2 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, कौन सी आती है, 3। और 9 का क्या हो जाएगा, 0। और 3 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 4। और 9 का 0। और 5 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 6। और 9 का 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, 49।